हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूँ मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप के सॉल्यूशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट एन आर एंड एन बी बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ रेड बल्ब एंड ब्लू बल्ब ऑफ सेम पावर। तो बेटा बताना है कि एन आर और एन बी में क्या रिलेशन होगा। बेटा पावर सेम आ रही है, बेटा रेड बल्ब जो होता है उसकी रेड वाले की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। बेटा विबग्योर में हमको मालूम है सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, तो सबसे कम जो एनर्जी होगी फोटोन की वो किसकी होगी, बेटा रेड बल्ब की जो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, है ना। एनर्जी कम हो गई तो बेटा अगर एक की एनर्जी कम है और टोटल एनर्जी वही आनी है तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हो जाएंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। ब्लू बल्ब की वेवलेंथ कम है, ब्लू बल्ब की वेवलेंथ कम है तो एक फोटॉन की एनर्जी ज्यादा, तो एक फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है। तो अगर प्यारे बच्चों एक फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है तो उससे क्या होगा कि अब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए होंगे वो कम चाहिए होंगे टू प्रोड्यूस दी सेम एनर्जी। आप प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से, एक एक रुपए के सिक्के हैं, है ना, और 100 रुपए अगर बनाने तो 100 सिक्के चाहिए, 5-5 रुपए के सिक्के तो कितने सिक्के चाहिए होंगे, तो हमको चाहिए होंगे 20 कॉइन्स, है ना। तो बेटा अगर ज्यादा एनर्जी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड कम होंगे, ज्यादा रुपीज का कॉइन तो नंबर ऑफ रुपीज रिक्वायर्ड कम होंगे, है ना, सेम रुपीज बनाने के लिए। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। और अगर मैथमेटिकली देख रहे हैं तो क्या होगा बेटा, अगर एनर्जी सेम आ रही है, मान लो रेड बल्ब के जो फोटॉन्स आ रहे हैं एनआर आ रहे हैं, एनआर इनटू एचसी बाय लैम्डा आर इज इक्वल टू एनबी, ब्लू बल्ब के मान लो एनबी आ रहे हैं एचसी बाय लैम्डा बी, है ना। तो यहां से क्या होगा, एचसी कट जाएगा, एचसी कट जाएगा, और यहां से एनआर बाय एनबी क्या निकल के आ जाएगा, एनआर बाय एनबी प्यारे बच्चों यहां से निकल के आ जाएगा लैम्डा आर बाय लैम्डा बी, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एनआर by NB greater than 1 आ रहा है, NR by NB greater than 1 आ रहा है। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रखा है, एक पावर ऑफ बल्ब आपको दे रखी है, लैम्डा कितनी वेवलेंथ के फोटॉन्स उससे निकल रहे हैं वो भी आपको दे रखी है। आपसे पूछ रहे हैं जो जिस एमिटर पे जाके वो फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, बेटा एक सरफेस पे जाके क्या हो रहा है, फोटॉन्स गिर रहे हैं, ठीक है, ये सरफेस पे जाके गिर रहे हैं फोटॉन्स, और जब ये सरफेस पे जाके फोटॉन्स गिर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बाहर, क्या निकल रहे हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, करंट आपको दे रखा है तो आई, मान लो एक सेकंड में एनी निकलेंगे तो एनी इंटू ई, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पता लग गया बेटा, एक सेकंड में इतना चार्ज निकल रहा है तो एनी इंटू ई के बराबर कर लिए, वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं, बड़े आराम से समझ में आ गया, आ गया प्यारे बच्चों समझ में, है ना। तो अब देखो अब फोटॉन्स कितने निकल रहे हैं, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी यही यूज किया था, पावर इक्वल टू बेटा, बेटा पावर एक सेकंड में जो एनर्जी निकलती है, तो अगर फोटॉन्स एनपी है तो पावर इक्वल टू एनपी इंटू एचसी बाय लैम्डा, पावर इक्वल टू एनपी इंटू एचसी बाय लैम्डा। यहां से हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक फोटॉन की एनर्जी hc by lambda है, तो मान लो np number of photons निकल रहे हैं, np number of photons निकल रहे हैं, तो np into hc by lambda बेटा ये एनर्जी हो गई, बस इसको इसके बराबर कर लेंगे, यहां से np निकाल लेंगे, तो बेटा आपको number of photons कितने जाके स्ट्राइक कर रहे हैं ये भी पता लगे बेटा, क्योंकि पावर कितनी आप पे सरफेस पे फॉल कर रही है गिवन है क्वेश्चन में, तो p equal to hc by lambda into np से आपके पास आ जाएंगे number of photons कितने उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये भी पता लग गया, np NE इलेक्ट्रॉन्स निकले जब NP स्ट्राइक करे, तो NE by NP into 100 हो जाएगी परसेंटेज एफिशिएंसी, NE by NP into 100 क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, परसेंटेज एफिशिएंसी। मैं फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर करंट I है, करंट अगर I है तो एक सेकंड में जो चार्ज निकल रहा है वो I निकल रहा है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NE निकल रहे हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE into E, I क्या हो जाएगा, NE into E, है ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो ई चार्ज निकलता, एन ई निकलेंगे तो एन ई इंटू ई चार्ज निकलेगा, और चार्ज निकल रहा है आई, तो आई इक्वल टू एन ई से आपने एन ई निकाल लिया। एनपी कैसे निकालेंगे, पावर जो फॉल कर रही, पावर जो स्ट्राइक कर रही सरफेस पे वो पी है, तो पी इक्वल टू एनपी इंटू एचसी बाय लैम्डा, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी ये है, तो मान लो एनपी फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं तो पी इक्वल टू एनपी इंटू एचसी बाय लैम्डा, यहां से पावर आ गई, है ना, यहां से सॉरी एनपी आ गया, कितने नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पता लग गया, NP से NE निकल रहे हैं तो 1 से कितने निकलेंगे, NE by NP, तो 100 से कितने निकलेंगे, NE by NP into 100, तो ये हो जाएगी परसेंटेज एफिशिएंसी। NE की वैल्यू पुट कर दो I by E, है ना, NP की वैल्यू पुट कर दो P लैम्डा by HC, है ना, NP की वैल्यू P लैम्डा by HC, है ना, into 100 कर देंगे,
परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, आई होप आप लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, लेमडा से हमने वेवलेंथ जो इंसिडेंट वेवलेंथ उसको 3λ/4 कर दी। क्या कर दिया? 3λ/4। बेटा जो पहले लेमडा आ रही थी ना उसको हमने 3λ/4 कर दिया, ठीक है। तो एनर्जी जो हो जाएगी बेटा वो कितने टाइम्स हो जाएगी? बेटा एनर्जी जो होती है वो hc/λ होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? hc/λ। अब ये तो पहले थी, अब कितनी हो जाएगी? मान लो e1 हो जाएगी। तो hc/3λ/4 4/3 टाइम्स हो गई एनर्जी, 4/3 टाइम्स हो गई। हालांकि 4/3 hc/λ ये एनर्जी हो गई, इसको ना फील करना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें डबल हो जा रही है एनर्जी, उसमें कह रहे फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। बेटा ये वाले क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं, एक में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, एक में स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछा है ना। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही तो ईवीएस के बराबर करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए। बेटा हम करते क्या है, यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिसकी स्पीड मान लो वी है ना, अब ये यहां जाके मान लो रुक जा रहा है, तो बेटा जो इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसी को तो ईवीएस के बराबर करते हैं। बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लो मैंने वीएस लगाया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचा, तो वन चार्ज के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी, तो ई के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी ईवीएस, तो केमैक्स को ईवीएस के बराबर कर देंगे आप बड़े आराम से। स्टॉपिंग पोटेंशियल और केमैक्स में अब आप रिलेशन मालूम चल चुका है। और केमैक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? केमैक्स होता है hc/λ, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई। ये मिनिमम एनर्जी का खर्चा आता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में सरफेस से, ठीक है। hc/λ माइनस फाई ये होता है केमैक्स, क्योंकि बेटा कोलिजन तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन निकले, एनर्जी लूज करके निकले, तो बेटा जो केमैक्स है वो hc/λ माइनस फाई है। अब बेटा हमने एनर्जी को जो पहले ई थी, मैं अब कह सकता हूं 4/3 टाइम्स हो गई क्योंकि लेमडा 3λ/4 हो गया। तो अगर पहले जो केमैक्स था वो ई माइनस फाई था, इसको मैं K1 कह देता हूं। क्या कह दे रहा हूं बेटा? K1, ठीक है। और अब मान लो अब जो जब हमने 4/3 ई एनर्जी डाली है ना, तो 4/3 ई डालने से क्या होगा? माइनस फाई। अब माइनस 5/3 प्लस 5/3 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? K2, ठीक है। अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही, और ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन के आ गई, ध्यान से देखिए, ये आ गया माइनस 4/4 5/3, है ना। तो 4e/3 कॉमन ले लीजिए, e माइनस फाइव, ये आ गया K1, पहले वाली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसका 4/3 टाइम्स प्लस 5/3, तो मतलब 4/3 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों बेटा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ही मैं आपको फील करा पाऊंगा, नंबर विस तरीके के हैं, करा इसमें भी सकता हूं, लेकिन डबल उसमें ना फ्रीक्वेंसी डबल करे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पूछ रहे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा? मोर देन डबल हो जाएगा, है ना। मतलब उस तरीके से हमको कमेंट करना, आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। मान लो न्यू से 2 न्यू कर दिया, ठीक है। न्यू से 2 न्यू करने में बेटा क्या होगा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। न्यू से अगर 2 न्यू कर दिया तो फिर क्या होगा? जो एनर्जी थी h न्यू वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 2h न्यू हो जाएगी, जो इंसिडेंट एनर्जी है। तो अगर बेटा एनर्जी डबल हो गई फॉल करने वाली, तो h न्यू माइनस फाइव, जो केमैक्स था मान लो पहले वो K1 था, अब बाद में क्या जाएगा? 2h न्यू माइनस फाइव, तो अब ये K2 आ जाएगा। अब बेटा प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकली तो आप क्या कर सकते हैं? माइनस फाइव प्लस फाइव, तो 2h न्यू माइनस 2 फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू K2। ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्वाइस ऑफ K1 प्लस फाइव। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो गई, ट्वाइस से ज्यादा हो गई। अब बेटा देखो इसको कैसे फील कर सकते हैं। मान लो ये है काइनेटिक एनर्जी, जो hnu है उसमें से इतनी कटौती होती है फाइ, अब 2hnu हो गया, कटौती कितनी होनी है बेटा? वही फाइ, पहले hnu था, कटौती कितनी होनी थी? फाइ, ये था केमैक्स, अब 2hnu हो गया, कटौती कितनी होनी? वही फाइ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो अब केमैक्स ही हो गया, पहले इतना आ था अभी डबल हो गया, डबल से ज्यादा, है ना। और अगर कोई कहते फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल कर दे तो केमैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? ट्रिपल कर देंगे तो ये हो जाएगी एनर्जी इंसिडेंट, कटौती तो वही होगी, तो तीन ढक्कन तो आ ही रहे हैं और साथ में ये चीजें और आ रही हैं, तो ट्रिपल से ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? एनर्जी हमने 4/3 टाइम्स करी थी, तो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बेटा अगर मैंने एनर्जी n टाइम्स कर दी
तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो एंड टाइम से ज्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे डबल कर दी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल से ज्यादा। तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या लगाना पड़ेगा, डबल से ज्यादा। उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या लगाना पड़ेगा, डबल से ज्यादा। दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया। देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोटॉन दे रखी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा। अभी बताया बेटा Kmax को EVS के बराबर करना होता है। कैसे बेटा, अगर यहां से ये मान लो एमिटर प्लेट है और ये कलेक्टर प्लेट है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन ने बेटा निकलना है और यहां तक पहुंचना है। तो बेटा अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है ना, तो बेटा वन चार्ज को यहां से यहां जाने के लिए, नेगेटिव वन चार्ज को बेटा Vs एनर्जी चाहिए। तो E के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, EVS है ना। इसी को Kmax के बराबर कर देंगे, इसी को Kmax के बराबर कर देंगे है ना। और अगर Kmax बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको E से मल्टीप्लाई कर दे ताकि जूल्स में आ जाएगा। E कट जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि बेटा Kmax अगर हमको दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इनटू E करके जूल में आया। अब बेटा जो वन माइनस वन चार्ज को बेटा यहां से यहां ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो Vs चाहिए, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल पे कर दिया है, इसको पॉजिटिव कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, ताकि ये नेगेटिव बनेगा तभी तो कहेगा चल हट रुक जा। तो बेटा EVS के इसको बराबर कर देंगे, यहां से क्या होगा E कट जाएगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल प्यारे बच्चों आ जाएगा Kmax। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, Kmax के बराबर। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको बता पाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू Kmax है ना। तो Kmax यहां पर क्या गिवन था, 4। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अगला क्वेश्चन, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल 10.4 वोल्ट दे रखा है हमको और 5 दे रखा है 1.7। तो बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगी, बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन -5 है ना, ये होती मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 5, मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लिया, तो E माइनस 5 क्या होता है बेटा, Kmax। 5 होता है मिनिमम खर्चा जो आएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ये आ गया Kmax। इनटू E कर दिया, हो गया किसमें, जूल्स में। किसमें हो गया प्यारे बच्चों, ये जूल्स में, ठीक है। अब ये आ गई जो एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन जूल, ठीक है। अब इसको किसके बराबर कर देंगे, EVS के। अभी तो ऊपर सीखा, तो बेटा आप ऐसे कह सकते थे EP माइनस 5 अगर हमने निकाला, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, Kmax। ये क्या होता है, Kmax। एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5 क्या होता है, Kmax, ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चों Kmax। Kmax into E कर दिया, तो बेटा ये आ गई एनर्जी इन जूल्स है ना, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बेटा यहां से मेरे पास एनर्जी ऑफ फोटोन क्या निकल के आ रही है, 5 प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि क्या बन जाएगा, 10.4 प्लस 1.7, दैट इज 12.1। अब कह रहे हैं ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से आ रही है हाइड्रोजन एटम में, N2 से N1 में जो हो रहा है, तो बताओ N2 और N1 क्या क्या है, ठीक है बेटा। 12.1 आ रही है पहली बात, पहले लेवल की एनर्जी होती है बेटा -13.6, दूसरे की होती है -3.4 अपॉन जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर करना होता है, Z1 है, N1 है, 2 किया तो 3.4 हो गया, फिर 1.5 हो गया। इन दोनों में ही जो डिफरेंस है बेटा वो 12.1 दिख रहा है, हमको याद भी रहता है पहले दूसरे में बेटा जो डिफरेंस होता है वो 10.2 होता है, पहले और तीसरे में जो डिफरेंस होता है वो 12.1 होता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा कंडीशन क्या हो जाएगी, कहां से कहां रहे, 3 से 1 पे। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन -5 है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही स्टॉपिंग पोटेंशियल में होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो। तो आई होप मैं आपको समझा पाऊं, बस इसका इतना यूज कर रहा था, एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी और वो एनर्जी जो आ रही है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से आ रही है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, मतलब जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बेटा अलग अलग ऑर्बिट में, वो पहले ऑर्बिट में होती है -13.6, दूसरे में -3.4, तीसरे में -1.5 एंड सो ऑन। आई होप मैं आपको समझा पाया बेटा, ये आपको ना, ये आपको याद भी रहना चाहिए, पहले और तीसरे में जो डिफरेंस आता है 12.1, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो यही होता है 10.2। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए होती है हाइड्रोजन एटम में, 10.2। मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2। सेवंथ वाले में कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि फोटॉन्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं अगर मेटल को, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर फोटॉन। बेटा एक फोटॉन से तो बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है मैक्सिमम, या तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो एक। बेटा यही तो पार्टिकल नेचर है कि एक जाके
एक को टक्कर मार के बाहर निकाल रहा है। तो बेटा यही पार्टिकल नेचर था, है ना, जिससे हमने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, जो कि वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। तो बेटा एक जाके कितने से इंटरेक्ट करता है, एक से, ये गया और टक से बाहर, कोई उसमें टाइम लैग नहीं आया था, कोई टाइम लैग नहीं आया था, जो कि वेव थ्योरी में क्या था कि भाई एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन पक 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 निकलने लग जाएंगे, जस्ट लाइक पॉपकॉर्न, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बेटा हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन आया और खट से, मतलब सॉरी फोटोन आया और खट से इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर, कोई टाइम लैग नहीं है। भले कितनी भी कम इंटेंसिटी की लाइट हो, भले कितनी भी कम इंटेंसिटी की लाइट हो, देयर विल बी नो टाइम लैग। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को डबल कर दिया। प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों को डबल करने से क्या होगा बेटा, अगर पावर डबल कर दी, है ना बेटा, पावर, ठीक है, पावर अपॉन पावर, अगर पावर पी है और मान लो एन फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो एन इंटू एच न्यू, ठीक है, एच न्यू एक फोटोन की एनर्जी, तो एन फोटॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, एन एच न्यू। तो पावर इज इक्वल टू एन एच न्यू, यहां से आपके पास एन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पावर बाय एच न्यू, ठीक है। अब पावर भी डबल हो गई या फ्रीक्वेंसी भी डबल हो गई, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल रिमेन द सेम। अब प्यारे बच्चों, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स वही रहेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स आर द सेम, नंबर ऑफ फोटॉन्स वही रहेंगे क्योंकि पावर भी डबल कर दी और फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दी। आप ऐसा कह सकते हैं, 1 किलो मिठाई लेके आए बेटा, है ना, पापा आपके 1 किलो मिठाई लेके आए, है ना, जिसमें 100-100 ग्राम का एक लड्डू था, कितने लड्डू आए, 10, कितने लड्डू आए, 10। अब क्या हुआ, पापा अगले दिन 2 किलो मिठाई लेके, लेकिन एक एक लड्डू 200-200 ग्राम का था, तो भी कितने लड्डू आएंगे बेटा, 10, है ना। तो अगर मिठाई का हमने मास भी डबल कर दिया और लेकिन एक लड्डू का मास भी डबल कर दिया, है ना, तो बेटा नंबर ऑफ लड्डू कितने आएंगे, बराबर, नंबर ऑफ लड्डू कितने आएंगे, बराबर। तो बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आएंगे, वही के वही आएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स वही, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स वही, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकलेंगे, क्योंकि बेटा जब फोटॉन्स की बारिश होती तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालती है, फोटॉन्स की बारिश होती तो वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है, है ना, और कुछ ही फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को निकाल पाते, क्योंकि हर जगह तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन पे टकराएगा तो, है ना। अब ये प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है, मान लो कि जो एफिशिएंसी है वो 0.01% है, तो बेटा अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स वही आ रहे तो इलेक्ट्रॉन्स तो वही निकलेंगे, बस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डबल करने से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मोर देन डबल, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था, पहले एनर्जी ई थी, अब 2E हो गई, है ना, पहले E-5 ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, अब 2E-5 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुई, ये प्लस ये डबल से ज्यादा, डबल से ज्यादा। आई होप मैं आपको समझा पाऊं, जहां पर मेरे को कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है, और हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दी और एनर्जी भी डबल कर दी, तो फोटो करंट, जब मैंने कहा कि वही का वही रहेगा, ऐसा हो सकता है कि फोटो करंट बढ़े भी, पता है ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है अगर मान लो पहले फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती, है ना, फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती फिर क्या होता, पहले तो फोटो करंट था ही नहीं, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई तो फिर फोटो करंट आ जाएगा, मान लो डबल करने पे थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए, तो बेटा ये एक कंडीशन रहती है। वैसे अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं एग्जैक्टली क्या होता है, बेटा फ्रीक्वेंसी डबल कर दी और हमने इंटेंसिटी भी डबल कर दी, फोटॉन्स वही आ रहे हैं, तो अगर मेरे से कोई कहेगा कि फोटो करंट एक्चुअली वही रहेगा, उतने से थोड़ा सा बढ़ जाएगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले मान लो इलेक्ट्रॉन 2 कोलिजन के बाद नहीं निकल पाता था, अब ज्यादा एनर्जी का फोटॉन आया ना, अब 3 कोलिजन के बाद भी हो सकता है निकल जाए, है ना, या जो 2 कोलिजन के बाद नहीं निकल पाता था निकल सकता है, तो एफिशिएंसी स्लाइटली बढ़ जाती, पर एफिशिएंसी होती इतनी कम है कि हम मानते हैं लगभग कांस्टेंट है, पर ये बिल्कुल पक्का है कि एफिशिएंसी स्लाइटली बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी स्लाइटली बढ़ जाएगी, तो फोटो करंट एक्चुअली थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे हम बेटा कहते हैं ना 10^-5 मोलर HCl की pH क्या होती है, 5, पर अगर कोई मेरे को ऑप्शन दे देगा 5 से कम या 5 से ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे, 5 से कम। ऐसा हम क्यों कहेंगे, क्योंकि बेटा H2O से जो H+ आएगा, मैं जानता हूं वैसे बेटा नॉर्मल वाटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 10^-7 मोलर होता है, और कॉमन आयन इफेक्ट से अब 10^-7 से भी कम हो जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल पक्का है ना, कुछ तो बेटा H+ कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो बेटा फिर क्या होगा, पीएच थोड़ी सी कम होगी। अगर लेकिन मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू दिए 5, 6, 7, 8 चार ऑप्शन दी, तो मैं 5 पे टिक करूंगा, और अगर ऐसा कहे लेस देन 5, इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 5, तो किस पे जाऊंगा, लेस देन 5 पे। आई होप मैं आपको समझा पाया, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि भैया अगर लाइट बल्ब से हम क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना चाह रहे हैं, हमारे पास एक लाइट बल्ब है जिससे हम क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना चाह रहे हैं, हम लाइट बल्ब को एमिटर प्लेट से दूर खिसका रहे हैं, मान लो ये एक लाइट, यहाँ पे मान लो एमिटर प्लेट है रेड, है ना, और ये मेरे पास मान लो पी पावर का सोर्स है,
जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ। तो बेटा कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर से आते आते थक तो जाएगा नहीं बेटा। वो तो हम लोग होते हैं कि दूर से ट्रेवल करके आते तो थकान हो जाती है, फोटोन तो बेटा वही एनर्जी पोजेस करेगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वही रहेगी, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वही रहेगी, है ना। तो ईपी माइनस फाइव जो केमैक्स है वो वही का वही रहेगा, और केमैक्स ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है अगर केमैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो, अगर केमैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। अगला पार्ट जो है, अगला क्वेश्चन जो है 10th, वो इसी का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है, जिसमें कह रखा है कि फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटा अगर मान लो इसका एरिया ए है ना, मान लो छोटा सा है, तो बेटा पी एनर्जी बेसिकली 4πr² एरिया में फैलेगी। तो वन एरिया में कितनी आएगी, पी अपॉन 4πr², तो ए एरिया में कितनी आएगी, इनटू ए, इतनी एनर्जी फॉल करेगी जब वो आर डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो एनर्जी जो बेसिकली 1πr² के साथ वेरी करेगी, एनर्जी अगर 1πr² टाइम्स हो जाएगी तो बेटा फोटॉन्स जो आएंगे, बेटा फोटॉन्स कितने आएंगे बेटा, अगर इतनी एनर्जी आ रही है E=nhc/λ, मान लो एक से एनर्जी इतनी आती तो मान लो एन आ रहे हैं, तो एन से इतनी आ रही, एन के बराबर कर दिया, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो 1πr² पे डिपेंडेंट है। तो फोटॉन्स अगर 1πr² पे डिपेंडेंट है तो करंट भी किस पे डिपेंडेंट होगा, 1πr² पे। दैट इज ग्राफ विल बी लाइक दिस, व्हिच इज इन ऑप्शन डी, व्हिच इज इन ऑप्शन डी, है ना। डी थोड़ा सा इनकरेक्ट सा बना हुआ है, वो यहां से चालू होना चाहिए था, है ना, वो यहां से चालू कर रहा है, है ना। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखो देखते ही मालूम चल जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है जो क्या होना चाहिए। बेटा एच एफ होती है हमने हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हम एच एफ नॉट भी कहते हैं, वर्क फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एच एफ नॉट भी कहते हैं, और ये होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ईबीएस। अब सोचो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो कब बनेगा, जब एफ एफ नॉट होगा। तो यहां से पता लगे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ वन हमने लगाई, कह रहे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, पूछ रहे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, बेटा यही आ जाएगी एच एफ वन माइनस एफ नॉट। एच एफ वन हमने एनर्जी लगाई, एच एफ वन हमने एनर्जी लगाई, एच एफ नॉट है बेटा वर्क फंक्शन, मिनिमम जो खर्चा आएगा, तो एच एफ वन माइनस एच एफ नॉट, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा जो एनर्जी ऑफ फोटोन एक बार डबल ऑफ वर्क फंक्शन और एक बार 5 times ऑफ वर्क फंक्शन है, V1 by V2 max बताना है, V1 max by V2 max जो मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगी मैक्सिमम उसका रेशियो बताना है। मैं बस आपको ये कह सकता हूँ E-5 होता है बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कि पहले केस में कितना आ जाएगा 2π-5, दैट इज 5 आ जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दूसरे केस में क्या आ जाएगी 5π-5, दैट इज 4π आ जाएगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 times है, तो बेटा स्पीड क्या होगी, बेटा काइनेटिक एनर्जी 4 times कब होगी, जब प्यारे बच्चों स्पीड क्या होगी, डबल होगी, जब स्पीड क्या होगी, डबल होगी। बहुत ही सिंपल बात है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 times कब होगी, जब स्पीड डबल होगी। बिल्कुल सिंपल मक्खन क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है प्यारे बच्चों वो है एपी में, तो λ1 λ2 λ3 किस में होंगे। बेटा बहुत ही सिंपल, ये मैथ्स का क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना। ये किस में आएंगे, एचपी में। किस में आएंगे बेटा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। बेटा कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। एच सी बाय λ1 माइनस फाइव इज इक्वल टू EV1। ये भी समझा चुका हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईवीएस के बराबर करते हैं, मैं मान रहा हूं ये जूल्स में, जो इन जनरल मेरे को मानना होता है। एच सी बाय λ2 माइनस फाइव इज इक्वल टू EV2, सॉरी, और ऐसे ही EV3, ठीक है। तो बेटा अब ध्यान से सोचिए बेटा, HC/λ3 माइनस फाइव। अब बेटा अगर ये एपी में, V1 V2 V3 एपी में, बेटा कोई भी अगर 3 number एपी में, तो उसका अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी एपी में आता है, जैसे 1, 2, 3 अगर एपी में तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2, 4, 6 भी एपी में, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3, 6, 9 ये भी एपी में, ठीक है। तो बेटा अगर ई से मल्टीप्लाई कर दी तो भी एपी में, अच्छा उसमें कुछ ऐड कर दो, मान लो ये एपी में, तो उसमें कुछ ऐड कर दो 1, 1, 1, तो क्या एपी में नहीं है, 4, 7 और 10, तो क्या एपी में नहीं, इसमें 3 बढ़ो, इसमें भी 3 बढ़ो, यहाँ पे पहुंच रहे तो भी एपी में। दैट इज अगर ये एपी में थे V1 V2 V3 तो इनटू ई कर दिया तो भी एपी में, इसमें प्लस 5 कर दूंगा तो भी एपी में, प्लस 5 कर दूंगा तो भी एपी में, ठीक है। तो बेटा मैं यहां से ये प्रूव कर सकता हूं HC/λ1, क्योंकि बेटा जब इस क्वांटिटी को इधर ले जाऊंगा तो प्लस 5 हो जाएगा, यहां पे भी प्लस 5 हो, HC/λ2 प्लस 5 हो। तो बेटा अगर ये सारे एपी में है तो HC/λ1 HC/λ2 HC/λ3 इसी के बराबर है, तो ये भी एपी में हुए। फिर अगर HC से डिवाइड कर दो,
डिवाइड या मल्टीप्लाई अगर कर दो तो बेटा ए, अभी जैसे मैंने दिखाया कि ये एपी में, टू से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, 2, 4, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो भी एपी में होंगे, तो बेटा इसको एचसी से डिवाइड कर दो तो भी एपी में, दैट इज 1/λ1, 1/λ2 और 1/λ3 एपी में। और बेटा अगर तीन नंबर्स अगर एपी में होते तो उनके रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं, किस में होते, एचपी में, उनके रेसिप्रोकल किस में होते हैं, एचपी में। अगर कोई तीन नंबर एपी में होते तो रेसिप्रोकल किस में होते हैं, एचपी में। तो बेटा 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3 किस में होंगे, एचपी में। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, एचसी बाय लैम्डा माइनस फाइव है ईवीएस, वी1 वी2 वी3 अगर एपी में है तो मैं ये कह सकता हूं ईवी1 ईवी2 ईवी3 भी एपी में होंगे, प्लस फाइव कर दो तो भी एपी में होंगे, है ना, और उसको एचसी से डिवाइड कर दो तो भी एपी में। तो बेसिकली मैंने आपको प्रूफ कर दिया 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3 एपी में है, तो λ1, λ2, λ3 किस में हो जाएंगे प्यारे बच्चों, एचपी में। λ1, λ2, λ3 किस में हो जाएंगे प्यारे बच्चों, एचपी में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है, वैसे आपको इतनी मैथमेटिक्स बड़े आराम से आती होती, बिल्कुल बच्चों वाली मैथमेटिक्स है। आई होप मैं आपको समझा पाया, पर अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट साइड पे है और आपके में आने वाला नहीं है, ये बिल्कुल श्योर है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रखा है एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और उस टाइम जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बेटा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर के है तो इनटू ई हमने कर दिए जूल्स में आ गई, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ही ईवीएस के बराबर करना पड़ता है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं, है ना, जैसे सपोज करो यहां पे कुछ मैंने नेगेटिव लगा दिया, अब बेटा क्या होगा, वन चार्ज को यहां से यहां जाने के लिए -1 को वीएस एनर्जी चाहिए, तो ई के लिए ईवीएस चाहिए, तो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, है ना, तो बेटा बात बहुत ध्यान से समझते रहें, पेन चलता रहना चाहिए, पेन नहीं चलेगा तो समझ में नहीं आएगा, तो कोशिश करेंगे कलम चलाते रहेंगे। अब बेटा देखिए बात सुने ध्यान से, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 आ रही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितनी आएगी, 3, और ये 3 ही हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही मक्खन सी बात है बेटा। देखो बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव, ये होता है बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर एनर्जी को 1 से बढ़ा देंगे तो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 से ही बढ़ेगी, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 से बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने से बढ़ जाएगा, 1 से। अब बेटा एनोड किसको कहते हैं, कैथोड किसको कहते हैं, आइए देखिए, एनोड किसको कहते हैं, कैथोड किसको कहते हैं, आइए देखिए। बेटा यहां पर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एमिटर, उसको हम बोलते हैं कैथोड। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा देखो, हम जो कैथोड और एनोड जो नाम है वो इस तरीके हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लेकिन मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हिसाब से। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसको छोड़ के जा रहे हैं, मेटल प्लेट को छोड़ के जा रहे हैं, तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहां इलेक्ट्रॉन आके क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन यहां पे आके क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है इस जगह पे, कैथोड पे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कैथोड, और इसलिए इसको हम बोलते हैं एनोड। जो तार में फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग एनोड और कैथोड नाम होते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। अब देखो बेटा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या था 14th में, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि बेटा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो 3 वोल्ट होगा। इन्होंने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल, बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ना, लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी नहीं है, कह रहे स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, बेटा नेगेटिव ही होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है ना, क्योंकि ये नेगेटिव बनाएंगे तभी तो बेटा वो कहेगा इलेक्ट्रॉन को चल हट, है ना, नहीं तो अगर ये पॉजिटिव हो गए तो कहेगा आ जा, है ना, तो हमको रोकना है ना कि बुलाना है, हमको क्या करना है, रोकना है, स्टॉप करना है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमको कह रहे हैं, एक बार पहले जगह बनाते हैं, मिटोते हैं यहाँ पे, शाबाश बहुत बढ़िया, रिन सफेदी। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, 200 नैनोमीटर की लाइट आ रही, बहुत शानदार, फाइ क्या है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब बेटा मेरे से कह रहे हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी इस केस में वो क्या आएगी, बेटा पॉजिटिव, तो एचसी बाय लैम्डा, ठीक है, माइनस फाइ, ये आती मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये अगर मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अब बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल पे है, तो क्या होगा बेटा, 1 चार्ज अगर यहां से यहां आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वर्क करेगी, 2 जूल, है ना, तो ई आएगा तो कितना वर्क हो जाएगा, ईवी, है ना। अब बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये ई इंटू 2 इतना वर्क उस पर और हो जाएगा जूल्स में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा, अपॉन, तो इतनी एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1240/200, ये क्या बन जाएगा, 12.4, 6.2, 6.2 माइनस 4.5 क्या आ जाएगा, 1.7,
6.2 माइनस 4.5 है 1.7 प्लस 2 ये क्या बन जाएगा 3.7। तो बेटा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी कलेक्टर प्लेट पे दैट विल बी 3.7। उसके बाद कह रहे हैं अगर मजा ले ले इसको अगर इधर कर दे और इसको इधर कर दे तो अब क्या होगा बेटा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। अगर आपने 2 वोल्ट लगा दिया पोटेंशियल है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपने 2 लगा दिया तो बेटा 1.7 से ज्यादा लगा दी तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने का ही नहीं। तो जब पहुंचेगा ही नहीं तो मिनिमम या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑन कलेक्टर प्लेट का कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा पहले जब वो खींच रहा था एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उसमें क्या होगा ईवी और आ जाएगी क्योंकि बेटा वो अट्रैक्ट करने वाला था ये पॉजिटिव प्लेट थी तो ई इंटू वी एनर्जी बढ़ जाएगी जूल्स में अपॉन ई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहे मिनिमम कितनी आएगी मिनिमम तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि बेटा देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कहां से कहां वेरी करती है 0 से एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 तो मैक्सिमम होती है जो निकलती है एमिटर प्लेट से मिनिमम तो 0 क्योंकि 10 कोलिजन के बाद निकले जस्ट निकला है बाहर। उसके बाद क्या होता है बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मिनिमम आने ही आने तो जो भी अगर हमने मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर हमने लगा दिया 2 वोल्ट तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम हो गए। एमिटर प्लेट से निकलने वाली होती है 0 से एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 ये काइनेटिक एनर्जी की रेंज होती है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लगा दिया तो प्लस 2 हो जाएगा दोनों में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हमने एनर्जी बढ़ा दी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में जुड़ जाएगी तो मिनिमम हो जाएगी 2। बेटा जितना वोल्ट हमने लगा दी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल उतनी ही मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी कलेक्टर प्लेट पे और मैक्सिमम क्या होगी एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 ये तो थी प्लस 2। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है इंटेंसिटी को बढ़ा दिया बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अगर इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वही है एक लड्डू की एनर्जी वही है एक फोटोन की एनर्जी वही है। आप सोच के देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा अगर इंटेंसिटी वही है प्लीज मेरी बात सुने इंटेंसिटी वही है का मतलब क्या हुआ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट इंटेंसिटी हमने बढ़ाई तो बेटा हमने लड्डू जो पहले पापा 1 kg लड्डू लेके आए थे अगले दिन 2 kg लेके आए लेकिन एक लड्डू की एनर्जी वही है HF है ना जो एक लड्डू की एनर्जी है वो वही है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए बढ़ गए नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले भी प्यारे बच्चों क्या होंगे बढ़ जाएंगे। मेरी बात फिर से सुने पहले दिन पापा 1 kg लड्डू लेके आए 100-100 ग्राम के 10 लड्डू आए अगले दिन 2 kg लेके आए फिर 100-100 ग्राम के फिर कितने आएंगे 20 आएंगे। तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी वही है एक फोटोन की एनर्जी वही है प्यारे बच्चों इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे एंड हेंस फोटो करंट विल इंक्रीज एंड हेंस फोटो करंट विल इंक्रीज। और हमसे पूछा क्या है क्या होने वाला है नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा तो बेटा बढ़ जाएंगे लेकिन बेटा अगर इंटेंसिटी वही है फ्रीक्वेंसी अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रखे इंटेंसिटी को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो है ना तो नंबर ऑफ फोटॉन्स वही रख लो या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो 2 तरीके आप नंबर ऑफ फोटॉन्स वही रहे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो मतलब लड्डू का साइज बढ़ा दो है ना 10 लड्डू वही है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो आप है ना एक एक लड्डू बड़े साइज का ले लो है ना तो भी मास ऑफ जो आपके पास मिठाई होगा बढ़ जाएगा। और अगर आप मिठाई का मास ना बढ़ा के मतलब मिठाई का मास बढ़ाना चाह रहे हो लेकिन नंबर ऑफ लड्डू बढ़ा दो तो भी वही बात है। तो यहां पर हमसे कहा गया कि फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो क्या होगा बेटा फोटो करंट बढ़ जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलने वाले हैं वो बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 17 इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों बेटा ग्राफ बनवा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में। बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी HF माइनस 5 इज इक्वल टू EVS तो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा H बाय E इनटू F माइनस 5 बाय E ये हो जाएगा बेटा। अब देखो स्लोप जो आ रही है वो H बाय E आ रही क्या ये मेटल पे डिपेंडेंट है नहीं है ना और ये अगर HF नॉट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा बेटा वो शुरू कहां से होगा एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो तो मेटल पे डिपेंडेंट है क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल पे डिपेंडेंट है पर बेटा जो स्लोप आनी है वो तो H बाय E आनी प्लीज मेरी बात सुने HF माइनस HF नॉट इज इक्वल टू EVS कह सकता हूं है ना कई बार बता चुका हूं ये बात। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी H बाय E इंटू F है ना तो सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू एच बाई ई इंटू एफ माइनस 5 बाई ई और 5 क्या है HF नॉट। मैं फिर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों मेरी बात सुने
एचएफ मैंने एनर्जी लगाई, फाई क्या है खर्चा आया। फाई क्या है प्यारे बच्चों, खर्चा आया निकालने में, मिनिमम जो खर्चा आएगा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को जिसको हम ईवीएस के बराबर करते हैं। यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल के ग्राफ में मेरे को ये पता लगा स्लोप तो सबकी सेम होगी, मतलब अगर आप डिफरेंट मटेरियल के लिए बनाओगे तो पैरेलल लाइंस आएंगे, है ना। पर बेटा वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब यहां कह रहे हैं वाई का वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो बेटा वाई की वाई वाला इधर आएगा और एक्स वाला इधर आएगा। सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल है बेटा। मैंने आपको समझाया क्या, एचएफ आपने एनर्जी लगाई, एचएफ नॉट खर्च होनी मिनिमम निकालने में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एचएफ माइनस एचएफ नॉट, जिसको आप ईवीएस के बराबर करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ अगर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के साथ डिफरेंट मटेरियल के लिए तो स्लोप सबके लिए सेम होगी, स्लोप सबके लिए सेम होगी, लेकिन बेटा वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट में बेटा डेफिनेटली फर्क आने वाला है। जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताता है, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका इधर आएगा, है ना, उसका राइट साइड में आएगा ग्राफ। आई होप मैं आपको बता पाया। आइए देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है कि भाई पहले 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक लेंस था, उस पर लाइट पड़ रही थी। बेटा 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक लेंस था, इस पे लाइट पड़ रही थी, है ना, और इससे लाइट जो थी हम फोकस कर रहे थे किसी एक मटेरियल पे, है ना, किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे लाइट डाल रहे थे, फोटो करंट आ ही आ रहा था। कह रहे हमने फोकल लेंथ चेंज कर लिया, लेंस का डायमीटर वही है, लेंस का डायमीटर वही है तो एनर्जी वही आ रही है। बेटा बेटा अगर एनर्जी वही आ रही है तो फोटॉन्स उतने ही आ रहे हैं, फोटॉन्स उतने ही आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकलेंगे, एंड हेंस फोटो करंट विल रिमेन द सेम। फोटो करंट में कोई चेंज नहीं है, अगर पहले आई था तो अभी भी आई ही होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, बहुत ही सिंपल है, फोकल लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है बेटा, है ना। कुछ लोग मतलब कभी कभी पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा सा वेग सोचने लग जाते हैं कि 1/ फोकल लेंथ पावर होती है, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बेटा वहां पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं वो फोटॉन्स ने जाके टक्कर मार के निकालने हैं, फोटॉन्स की एनर्जी वही की वही है, फोटॉन्स की एनर्जी कोई चेंज नहीं हो रही है, फोटॉन्स की एनर्जी वही है एच सी बाय लेमडा। तो बेटा अगर डायमीटर वही है तो उस पर फोटॉन्स इंसिडेंट उतने ही होंगे। आई इन टू ए बेटा इंटेंसिटी पे 1 सेकंड में 1 एरिया पे जो एनर्जी आएगी, तो अगर ये ए एरिया तो आई ए ये एनर्जी आ रही है, अगर एनर्जी वही है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स वही है, एंड हेंस फोटो इलेक्ट्रॉन्स वही होंगे, एंड हेंस फोटो करंट वही होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट विद अ फ्रीक्वेंसी वेल अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द एमिटर इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपरेटस, ठीक है। कह रहे फ्रीक्वेंसी इज देन डबल्ड वाइल कीपिंग इट्स इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट। बेटा फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया, इंटेंसिटी वही है। बेटा लड्डू उतने ही आए हैं, इंटेंसिटी उतनी है, 1 किलो लड्डू ही आए हैं तो लड्डू का वेट उतना ही है, पर हमने बेटा एक एक लड्डू का साइज 100 ग्राम से 200 ग्राम कर दिया तो नंबर ऑफ लड्डू हाफ हो गए। बेटा जो एनर्जी आ रही है कह रहे हैं वो वही है, लेकिन एक की एनर्जी जो है बेटा एच न्यू, बेटा ये हमने डबल कर दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हाफ हो गए, एंड हेंस फोटो करंट जो होगा अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर पूछा फोटो करंट बढ़ जाएगा घट जाएगा, उतना ही रहेगा, नन ऑफ दीज, तो बेटा क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स घट जाएंगे, जो फोटो करंट होता है बेटा वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंडेंट होता है, जो फोटो करंट होता है प्यारे बच्चों वो किस पे डिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट विल सर्टेनली इंक्रीज इफ एनोड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। बेटा वोल्टेज बढ़ाने घटाने से फोटो करंट बढ़ता घटता नहीं है, अगर एनोड वोल्टेज बढ़ा भी देंगे तो उससे फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा फोटो करंट पे फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी वही है, तो जो एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस अगर उसको बढ़ा देंगे, पहले अगर इतने से एरिया पे अगर आ रहे थे, है ना, मतलब जो लाइट आ रही थी, अगर वो ज्यादा एरिया पे आएगी तो क्या होगा बेटा, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है ना। या तो आप एरिया ऑफ कैथोड सरफेस या एमिटर का बढ़ा दो, या आप कह सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज, अगर इंटेंसिटी आप बढ़ा दोगे, है ना, तो बेटा इससे क्या होगा, बेटा अगर इंटेंसिटी बढ़ा दे रहे हो, यहाँ पर ये कहना जरूर चाहिए था इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट। तो बेटा क्या होगा, अगर एनर्जी बढ़ गई, एक फोटोन की एनर्जी वही है तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने के दो तरीके होते हैं प्यारे बच्चों, दो तरीके कौन कौन से होते हैं, एक होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो नंबर ऑफ फोटॉन्स वही रखो तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी, और दूसरा होता है इंटेंसिटी बढ़ाने का तरीका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वही रखो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो, तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो फोटो करंट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि बेटा एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स की कुछ परसेंटेज है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो बेटा अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर वो ज्यादा निकलेंगे तो इसका मतलब फोटो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि फोटोन्स ज्यादा आ रहे हैं, फोटॉन्स ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेटा कह रहे इंटेंसिटी बढ़ा दी, है ना।
वैसे अगर मेरे को कोई कहेगा कि एक आंसर टिक करना है, तो फिर मैं कहूंगा कि अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट आ रही है ना, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट आ रही है और अगर आपने एरिया को इतने से इतना कर दिया, तो बेटा ये पक्का है कि फोटो करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से जरूरी नहीं है कि, मतलब सर्टेनली नहीं कह सकता हूं कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ना जरूरी नहीं है। इंटेंसिटी भी बढ़ गई और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स वही रह सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट अगर इंटेंसिटी को डबल कर दो, तो पहले अगर आई ए एनर्जी आ रही थी, अब टू आई ए आ जाएगी। पहले आई ए आ रही थी और एक की एनर्जी से डिवाइड कर दो, इतने फोटॉन्स आ रहे थे बेटा, इतनी एनर्जी आ रही थी और अपॉन एक की एनर्जी, तो ये हो गए नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब एनर्जी डबल कर दी, लेकिन मान लो फ्रीक्वेंसी फोर टाइम्स कर दें, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, हाफ हो जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स हाफ हो जाएंगे, तो फोटो करंट जो होगा बेटा वो हाफ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ना जरूरी नहीं है, मैंने तो फ्रीक्वेंसी फोर टाइम्स करी, इंटेंसिटी डबल करी। इंटेंसिटी डबल होने से फोटो करंट बढ़ना जरूरी नहीं है, तो सर्टेनली किससे कह सकते हैं, ये कह रहे हैं हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो करंट विल सर्टेनली इंक्रीज। तो बेटा होता क्या है बेटा, एक्चुअली धूप से ही बेटा हम फोटो करंट बेटा बनाते हैं, एक्चुअली तो पैरेलल रेज आ रही है, तो अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया, एक्सपोज्ड एरिया बढ़ा दिया, तो यह मतलब मैंने कैथोड का अगर एरिया बढ़ा दिया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि फोटॉन्स स्ट्राइक करने वाले बढ़ जाएंगे। पहले इतने एरिया से निकल रहे थे, अब इतने से और निकलेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं, पहले एक पैरल बीम लाइट आ रही थी है ना, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली आ रही थी है ना, जो फोर्स आ रहा था वो एफ आ रहा था, वो कितना आ रहा था, एफ आ रहा था। कह रहे हमने क्या किया, अब यहां पर हमने क्या किया, थीटा एंगल पे आने लग गई है ना, व्हेन द सरफेस इज हेल्ड एट एन एंगल थीटा, तो बेटा तब कह रहे हैं फोर्स कितना आएगा। आइए बच्चों बात समझते हैं ध्यान से। बेटा देखो अगर इंटेंसिटी, अगर मैं कह रहा हूं पहले मान लो अगर एनर्जी अगर ई आ रही है, तो बेटा मोमेंटम क्या होता है, ई बाय सी। मोमेंटम क्या होता है प्यारे बच्चों, ई बाय सी। यह है क्वेश्चन नंबर 21। पहले परपेंडिकुलर आ रही थी लाइट, तो अगर ए एरिया था तो आई इन टू ए, वन सेकंड में वन एरिया पे जो एनर्जी आती है उसको आई बोलते हैं, तो ए एरिया पे वन सेकंड में कितनी आएगी, आई ए है ना, आई ए बाय सी हो गया मोमेंटम। पहले नीचे को था, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर को जाएगा, तो चेंज क्या आ गया मोमेंटम में, एक सेकंड में ये बेटा एक सेकंड में जो एनर्जी आएगी, वन सेकंड में वन एरिया पे आई आती है, तो ए एरिया पे वन सेकंड में क्या आएगी प्यारे बच्चों, आई ए। क्या आएगी, आई ए है ना। तो ये एनर्जी आ रही थी ई बाय सी, ये मोमेंटम हो गया, और चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, टू पी है ना, और एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। अब सोचो यही अगर थीटा एंगल पे आने लग गया, है ना, थीटा एंगल पे अगर आने लग गया, तो बेटा क्या होगा, आई। अब बेटा यहां पर थोड़ा सा मतलब चेंज है चीज में, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ए एरिया पे जो बेटा लाइट फॉल करनी है ना, ए एरिया पे जो फॉल करनी है, वो ए एरिया से नहीं आ रही है, वो ए से कम एरिया से आ रही है। आप आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर ये एरिया वेक्टर मान लो ए है ना, तो बेटा इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, सॉरी ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया बेटा, ए कॉस थीटा जिधर को कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट का मतलब क्या था, उस डायरेक्शन से लाइट फेंको और उससे परपेंडिकुलर स्क्रीन पे शेडो ले लो, तो बेटा ये वाला एरिया हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो बेटा वन सेकंड में वन एरिया पे जो एनर्जी आती है वो आई आती है, तो ए कॉस थीटा पे कितनी आएगी, आई ए कॉस थीटा, और जो आएगी वही आगे निकल जाएगी। ये अब एनर्जी फॉल कर रही है, अब जो एनर्जी फॉल कर रही प्यारे बच्चों वही है, जो ए एरिया पे आने वाली, जो ए कॉस थीटा से आ रही है वो ए पे आने वाली है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा, सोच के देखिए, अगर ये स्फीयर, इस अगर मान लो लाइट ऐसे आ रही, तो 2 पाई आर स्क्वायर एरिया पे, यानी कर्व्ड सरफेस, आधे कर्व्ड सरफेस पे फॉल करेगी, आधे पे फॉल नहीं करेगी, इस पे कोई लाइट फॉल नहीं करेगी, इधर से लाइट आ रही, जो पाई आर स्क्वायर एरिया से आ रही ना, वो 2 पाई आर स्क्वायर एरिया पे फॉल करने वाली है, वो 2 पाई आर स्क्वायर एरिया पे फॉल करने वाली है। तो अगर ए कॉस थीटा से जो आ रही है वो ए पे फॉल करेगी, तो एनर्जी आ रही है आई ए कॉस थीटा, ई बाय सी हो गया मोमेंटम, और बेटा पी कॉस थीटा नीचे को था मोमेंटम, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, पी कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, 2p cos theta, ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम इन वन सेकेंड, ये हो जाएगा फोर्स। तो बेटा अगर पहले 2ia/c था फोर्स, अब साथ में cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो बेटा अब क्या हो जाएगा बेटा, जो अब फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 2ia
बाय सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। तो आप कोशिश करेंगे ध्यान से बेटा समझेंगे, है ना। मैंने कुछ कुछ साथ में थ्योरीज की वीडियो भी अटैच करी है ताकि आप चीजें अच्छे से समझ पाए, उनको भी आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया है। प्यारे बच्चों पूछ रहे हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी किसकी कम, क्या या बराबर होगी। बेटा देखो लैम्डा होता है एच अपॉन एम वी, लैम्डा क्या होता है प्यारे बच्चों, एच अपॉन एम वी, ठीक है। अब एम वी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टू एम के, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टू एम के, करेक्ट है। अब बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच अपॉन अंडर रूट टू एम के, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई डेल्टा वी, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से कह देता हूं। अब बेटा देखो ये सबके लिए सेम है, क्यों डेल्टा वी वर्क होता है बेटा, अगर वन चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करते हैं तो बेटा वन चार्ज पे जो वर्क होता है बेटा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डेल्टा वी ही तो वर्क होगा, और अगर क्यू चार्ज है तो क्या वर्क होगा, क्यू डेल्टा वी, है ना, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन होता है। तो बेटा ये तो सेम है, टू सेम है, एच सबके लिए सेम है, जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम, तो लैम्डा पी लेस देन लैम्डा ई, प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कम आएगी क्योंकि उसका मास जो होता है प्यारे बच्चों वो ज्यादा होता है और मास पे डिपेंडेंट आ रहा है आंसर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ही सिंपल मक्खन क्वेश्चन आपके सामने, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है प्यारे बच्चों 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और कह रहे हैं 50 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वर्क करेगी, ई इंटू 50, क्यू डेल्टा वी वर्क होता है, ये हो गया जूल्स में, अपॉन ई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया वर्क, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क हो गया, और 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले एनर्जी थी, 50 उस पे वर्क हो गया, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतने से बढ़ जाएगी तो 150 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो पूछ रहे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, एच अपॉन एम वी, एम वी होता है अंडर रूट टू एम के, अब काइनेटिक एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इनटू ई करना पड़ेगा जूल्स के लिए, और एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई की वैल्यू बेटा आपको याद होनी चाहिए, मैंने एफएसटी 23 में आपको नीट वाले में आपको बताया भी था, इसकी वैल्यू अंडर रूट 150 होती है, नहीं याद थी अगर 12.27 याद हो, एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई बेटा आपको याद रहना चाहिए, है ना। यहां से जो लैम्डा आता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, बेटा ये एंगस्ट्रॉम में ये लेनी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी के इस टाइम पे, और एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई लेना होता है आपको 12.27 या अंडर रूट 150, अब अंडर रूट 150 अपॉन अंडर रूट 150 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये भी हो गया, बहुत ही सिंपल था, एच अपॉन एम वी यूज करना था, अगर आप सबकी वैल्यूज पुट करेंगे देन इट विल बी टाइम टेकिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24th, इसमें कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन बताइए, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है बेटा, एच बाई लैम्डा, लैम्डा क्या है 10^-12 मीटर, तो ये हटेगा ऊपर आ जाएगा 10^12 h, सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मोमेंटम होता है h बाय लैम्डा, मोमेंटम क्या होता है प्यारे बच्चों h बाय लैम्डा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, लैम्डा को हमने हाफ कर दिया, पहले अगर एनर्जी थी e1, अब क्या हो जाएगी बेटा, एनर्जी होती hc बाय लैम्डा, तो एनर्जी को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब बाद में एनर्जी आपने 2e1 डाली, तो कह रहे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले k1 थी तो बाद में क्या हो जाएगी k2 हो जाएगी, k2 will be greater than 2k1, क्यों बेटा, अभी पहले भी बता चुका हूं, ऊपर ही क्वेश्चन आया था पहले भी थोड़ी देर पहले, मैं क्वेश्चन नंबर बोल देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीक्वेंसी डबल करना या वेवलेंथ हाफ करना एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी डबल करना या वेवलेंथ हाफ करना एक ही बात है, एच सी बाय लैम्डा होती है एनर्जी, तो लैम्डा हाफ करने से भी डबल, और एच एन यू होती है बेटा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी डबल करने से भी डबल, तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मोर देन डबल, कैसे बेटा, पहले इतनी एनर्जी डाली फाई कटौती हुई ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बाद में 2e डाली फाई कटौती हुई ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पहले वाली दो बार हो गई और प्लस ये डबल से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मोर देन डबल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हम YDSC परफॉर्म कर रहे हैं पर इलेक्ट्रॉन बीम से, इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट कर रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं कि ZN स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन्स जाके कोलाइड कर रहे हैं और फिर वहां पे ग्लो आ रहा है, ठीक है। तो बताना है कि बीटा में डिक्रीज हम चाहते हैं मैक्सिमम आए तो कैसे आ सकता है। बेटा कैपिटल डी को आप घटा दो तो भी आ जाएगा, स्मॉल डी को बढ़ा दो तो भी आ जाएगा, या लैम्डा को घटा दो। अब लैम्डा क्या होता है, एच बाय एम वी,
ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लैम्डा एच बाय एम वी, और एम वी क्या होता है अंडर रूट टू एम के, और के को बोलते हैं ई डेल्टा वी। बेटा जो भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया क्यू डेल्टा वी वर्क होगा, है ना। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो लैम्डा घट जाएगा, है ना। तो बेटा यहां पर ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें दो चीजें साइमल्टेनियस आ रही, कैपिटल टी को घटाओ और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाओ, है ना। एक में आ रहा है खाली कैपिटल टी घटाओ, कैपिटल टी को घटाओ, और दूसरे में आ रहा है एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आ रहा है कि कैपिटल टी को भी घटाओ और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी बढ़ाओ, विच इज ऑप्शन बी। तो दोनों चीजें जब साथ में होंगी तो फिर क्या होगा, जो डिक्रीज आएगा वो मैक्सिमम डिक्रीज आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहां पर एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है, क्यू चार्ज है, यहाँ पे -3 Q चार्ज है, और हमसे पूछ रहे हैं बताइए कि कब यहाँ पर जब ये घूमेगा इस तरीके से, तो बता रहे कि जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। बेटा पहली बात, बोहर्स मॉडल वैलिड है, कह रहे हैं एम वी आर बराबर एच बाई टू पाई, एक इक्वेशन, ठीक है, एन एच बाई टू पाई एन वन ले लिया क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में कह रहे हैं, और सेंटर की तरफ को जो फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, ओ जेड ई स्क्वायर क्या कर रहा हूँ बेटा, 3Q into Q, है ना, 3Q into Q/r² है ना, बराबर एम वी स्क्वायर हो रहा। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी बतानी है बेटा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, एक आर कट गया बेटा, दो इक्वेशन है वी आर में, दो वेरिएबल है, आर की वैल्यू इसमें से निकालें, इसमें डालें और वी निकालें, बिल्कुल सिंपल है। आप चाहें तो आर की वैल्यू इसमें डालें और फिर वी निकाल लें, मतलब आपके दो इक्वेशन है दो वेरिएबल, आपको वी निकालना है, आई होप बड़े आराम से निकाल पाएंगे, एक में से आर की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालेंगे और वी को निकालेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई होप इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे डी ब्रोगली वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन की है जो वो किसी nth स्टेट में है ना, वो लैम्डा एन है, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो जे एन है, तो कह रहे हैं बताना है कि इनमें क्या रिलेशन हो, लैम्डा एन प्रोपोर्शनल टू जे एन की पावर एक्स, ऐसे ऑप्शन दे रखे, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू जे, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जे, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू जे स्क्वायर, नॉट दिस। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम जो जे एन होता है एम वी आर, वो होता है एन एच बाई टू पाई, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनल टू एन होता है, पहली बात। दूसरी बात अब लैम्डा एन, टू पाई आर होता है एन लैम्डा, टू पाई आर क्या होता है एन लैम्डा, अब टू पाई आर की वैल्यू क्या होती है, टू पाई आर होता है 0.53 n² / z, तो बेटा यहां से क्या निकल के आ गया, एक एन कट जाएगा, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एन आर है और जे भी प्रोपोर्शनल टू एन आर है, दैट इज लैम्डा प्रोपोर्शनल टू जे की पावर क्या आएगा, 1, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन में जो दे रखा है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू जे, वही सही होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब से, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल्ड है, कह रहे हैं हमने मेटल लिया है जिसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो उसमें से रेडिएशन आ रहे हैं वो हम एक मेटल पे इंसिडेंट करा रहे हैं जिसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो कह रहे क्या हम पोटेंशियल लगाएं एनोड का विद रिस्पेक्ट टू कैथोड ताकि फोटो करेंट जीरो हो जाए। बेटा क्या लगाएं, बेटा जो सबसे ज्यादा वाला है, अगर जैसे हमको ऑप्शन दिए -4, -6, -8 और -10, बेटा देखो ये है एमिटर जिसको हम बोलते हैं कैथोड, है ना, और इसको हम बोलते हैं एनोड जिसको हम बोलते हैं कलेक्टर, है ना, सीसी साथ में नहीं आता है, याद रखने के लिए तरीका ये हो गया। अब बेटा देखो बात सुनो ध्यान से, अब है क्या, देखो यहां पर हमने कुछ नेगेटिव पोटेंशियल तो लगाना ही है इसका, एनोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड क्या लगाए। बेटा देखो अगर हमको ऑप्शन दिए -4, -6, -8 और -10, तो मैं आपको ये कह रहा हूं अगर इस पे जीरो हो गया तो इस पे होगा ही होगा, एक ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, इस पे जीरो हो गया तो बाकी सब पे भी हो, तो अगर एक ही पे बेटा कह रहे करंट जीरो तो वो यही होगा। और अगर दिमाग लगाना बेटा, अगर हाइड्रोजन से, अगर हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन को फिल किया, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या निकल के आएगी, जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन वन पे जंप करेगा, दैट इज 13.6, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, तो बेटा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, 9.6। तो इसको रोकने के लिए 9.6 वोल्ट लगाना पड़ेगा, तो बेटा 8, 6 और 4 तो बैलेंस कर नहीं पाएंगे, 10 ही कर पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ सिंपल सोचो यार, जब एक ही वन ऑप्शन करेक्ट है, किस क्या पोटेंशियल लगाएं जो कि करंट जीरो कर दे, तो बेटा मैक्सिमम वाला, क्योंकि बाकी सब पे नहीं हो रहा होगा ना, एक ही पे जीरो हो रहा है, तो वो कौन सा होगा, सबसे ज्यादा वाला पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में, तो इसका -10 लगा रहे हो तभी जीरो, क्योंकि -8 पे अगर जीरो कर दी तो -10 पे तो ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको लात मार के भगा ही देगा, वो पहले ही मुड़ जाएगा फिर। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों।
अगला क्वेश्चन है 30। 30 में कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम बेटा दे रखा है 3h/2π, तो काइनेटिक एनर्जी बताइए। इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में, है ना। अब अगर mvr जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो 3h/2π है, मतलब n हो गया 3। काइनेटिक एनर्जी इज, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। अब थर्ड ऑर्बिट है तो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में क्या एनर्जी होती है, -13.6, दूसरे में -3.4, तीसरे में √3² -1.5। मैंने बेटा आपको कई बार बोला है आपको याद रखना चाहिए, -0.85, और इनफाइनाइट वाले में कितनी होगी प्यारे बच्चों, 0, है ना। मेरे को वैसे उसकी जरूरत नहीं थी अभी, पर अगले क्वेश्चन में जरूरत है उसकी, यहां पे तो एनर्जी 0 होगी। तो बेटा मेरे से पूछ रहे हैं n इक्वल टू 3 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, -1.5, तो टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी -1.5, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1.5। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो बेटा कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम 3h/2π है तो काइनेटिक एनर्जी बताओ। बेटा एंगुलर मोमेंटम 3h/2π से n हो गया 3, n अगर 3 हो गया बेटा तो इसका मतलब ये हो गया जो टोटल एनर्जी है वो -1.5 हो गई और काइनेटिक एनर्जी 1.5 हो गई, खत्म। तो ये हो गया 30th क्वेश्चन। इसके बाद 31st में बेटा मेरे को कह रखा है 3 से 2 वाली, जो 3 से 2 में जब आ रहा है तो इसको बी कह रखा है, बी वाली एनर्जी क्या रखा है इसको हमने, हमसे कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वेवलेंथ की शायद बात कर रहे हैं, पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। हाँ, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन से में आएगी, इसको हमने नाम दे रखा है, इसको नाम क्या दे रखा है, ए, ठीक है, इसको डी, ठीक है, इसको सी, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें जो एनर्जी एसोसिएटेड, बेटा ज्यादा किस में एसोसिएटेड दिख रही है, या तो इसमें हो सकती है क्योंकि ये एनर्जी इन दोनों का सम है, ठीक है, या इसमें दिख रही है ज्यादा, पर ये तो 0.85 है, 0 माइनस माइनस 0.85 0.85, जबकि ये कितना है, ये तो -0.85 -3.4 3.4 -0.85 2.5 से ज्यादा आ रहा है ना, तो ये तो ज्यादा हो गई। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में आ गई, सी में, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो सी में सबसे कम वेवलेंथ हो गई। अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ बेटा एनर्जी जो डेल्टा ई, जो एनर्जी रिलीज होती है वही hc/λ है, जब डेल्टा ई ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, और डेल्टा ई जब कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा। तो बेटा बस सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे आ रही है बेटा, जब यहां से यहां पे, जब 4 से 2 पे आएगा, क्योंकि बेटा देखिए ये भी ज्यादा रही है पर ये एक्चुअली ज्यादा नहीं है, क्योंकि 0 माइनस माइनस 0.85 0.85 एनर्जी निकल रही है, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी लिखी है 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट की, जो जो इन्वॉल्व है इसमें, एनर्जी जो निकल रही है बेटा वो निकल रही है करीब 2.5 के आसपास, तो इसका मतलब ये ज्यादा है सबसे। सबसे कम कौन होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस है 0.65 है, इन दोनों में डिफरेंस जो है 0.85, इसमें तो और ज्यादा हो जाएगा बेटा, 1, 2 में डिफरेंस ज्यादा होता है, 2, 3 में कम, क्यों, -13.6 z² / n² होता है बेटा, मैं याद दिला देता हूं आपको बेटा, ये जो एनर्जी डिफरेंस होते हैं ना बेटा वो 1/x² का ग्राफ आता है, तो इनिशियली बेटा डिफरेंस जो आता है वो ज्यादा आता है, बाद में कम आता है, उसके बाद में और कम आता है, तो ज्यादा डिफरेंस कम और कम। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, तो सबसे जो कम डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है बेटा, इस वाले में, डी वाले में, तो एनर्जी डिफरेंस कम, तो लैम्डा सबसे ज्यादा लैम्डा आएगा डी में और सबसे कम लैम्डा आएगा सी में, तो सी एंड डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन पूछिए, nth स्टेट में बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखी है en, हम किस पे हैं 32, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी होती है 1/ टाइम पीरियड, टी सेकेंड्स में एक रेवोल्यूशन हो रहा है, टी सेकेंड्स में एक रेवोल्यूशन, तो एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे, 1/T, और टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v, ठीक है, तो ये आ गया। अब किसने कहा सर मेरे को लिखना, तो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में, बाइंडिंग एनर्जी पता क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने में जो एनर्जी लगेगी, जितनी नेगेटिव है उतनी पॉजिटिव दे दो,
माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ये पॉजिटिव है ना, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर है बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, अब मेरे को इसको बनाना था हाफ एम वी स्क्वायर, तो मेरे को लगा एम वी से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, तो हाफ एम वी स्क्वायर तो बन गया। ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ई एन। एम वी आर बन गया नीचे, वो जाएगा एन एच बाय टू पाई, पाई को लिखे रहने दो, एन एच बाय टू पाई, पाई लिखोगे पाई कट दे, तो क्या जाएगा टू ई एन बाय एन एच। बहुत सिंपल था यार, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन बताना था, बाइंडिंग एनर्जी ई एन है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, बेटा फ्रीक्वेंसी होती है वन बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हो गया टू पाई आर बाय वी। अब बेटा कैसे, अब मेरे को बनाना है इसको बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में, हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में, तो एम वी से मल्टीप्लाई किया और एम वी से डिवाइड, ताकि हाफ एम वी स्क्वायर बेटा काइनेटिक एनर्जी बन जाए और वही बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि जितनी नेगेटिव उतनी ही पॉजिटिव दे दूंगा, टोटल जीरो हो जाएगी, और जीरो कब होती है, जब वो इनफाइनाइट पे होता है, अभी बताया था आपको, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जब एन इनफाइनाइट होगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी हो गई ई एन, पाई एम वी आर हो जाएगा एन एच बाय टू पाई, एन एच बाय टू पाई जैसे लिखेंगे घट जाएगा, तो टू ई एन बाय एन एच। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के लिए जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, वो दे रखे 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल, जिसको मैं लिख सकता हूँ 21.8 × 10⁻¹⁹। कह रहे जब थर्ड स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। बेटा इन्फाइनाइट पे बेसिकली पहुंचाना है, इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो बेटा जीरो करने के लिए जितनी नेगेटिव एनर्जी उतनी पॉजिटिव सप्लाई कर दो। बेटा फर्स्ट में जो ये एनर्जी थी, थर्ड में क्या होगी, अपॉन थ्री स्क्वायर। बेटा E होता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड देखना तो 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड वन है हाइड्रोजन है, तो 3 के लिए क्या होगा, अपॉन 3 स्क्वायर, तो अपॉन 9 आ जाएगा, तो 21.8 × 10⁻¹⁹ अपॉन 9, तो क्या बन जाएगा, 9 × 2 = 18 है ना, 3 आया 0.4, 2.4 × 10⁻¹⁹ जूल्स। कौन सा ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। बेटा थर्ड में एनर्जी बतानी है, तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बताना था, क्योंकि बेटा जितनी नेगेटिव है उतनी पॉजिटिव देते हो, तभी वो आयनाइज हो पाता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, आइए देखिए। ये जो क्वेश्चन है E4N - E2N / E2N - EN, कह रहे हैं ये जेड और एन की कौन सी पावर पे डिपेंडेंट होगा। बेटा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव, 13.6 जेड स्क्वायर बाय टू एन स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय फोर एन स्क्वायर अपॉन 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय टू एन स्क्वायर। तो बेटा एन स्क्वायर ऊपर नीचे हर तरफ कट जाएगा, जेड स्क्वायर भी है वो भी कट जाएगा, तो जेड और एन की कौन सी पावर पे डिपेंडेंट आ जाएगा, जेड की पावर जीरो, एन की पावर जीरो। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा है अगला क्वेश्चन। बेटा कह रहे हैं n प्लस वनth एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं, तो बताओ n क्या है। बेटा n प्लस वन से 2 पे ले आओ या n से 1 पे ले आओ, बात तो एक ही है, n से 1 पे ले आओ, बात तो एक ही भैया, उतने ही लेवल्स इन्वॉल्व होंगे। 2 से n प्लस 1 में जो लेवल्स आएंगे, 1 से लेके n में भी उतने ही लेवल्स आएंगे। बेसिकली हर दो के करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी निकलती है ना, और वो कितना होता है बेटा, क्या होता है, n से जब 1 में आता है कितनी है स्पेक्ट्रल लाइन निकलती है, nn-1/2। क्यों, क्योंकि बेटा जब 2 से 1 पे आएगा, सोच के देखो, तो 1, 3 से 1 पे आएगा तो ये तो 1 थी, ये वाली और ये वाली 2 और आ गई, 3 के लिए 2 आ गई, 4 के लिए 3 आ जाएंगी, nth के लिए n-1, और इसका सम क्या हो जाएगा बेटा, n-1 टर्म्स का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 1 + n-1 nn-1/2, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में मेरे को 10 दे रखी है और पूछा है n बताओ क्या हो जाएगा बेटा, 5 इन मतलब बेसिकली nn-1 20, 5 × 4 = 20, तो n आ गया 5, n क्या आ गया प्यारे बच्चों 5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा यहां पर मेरे से पूछा था इन्होंने टू दी आई एम सॉरी, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन है इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन nth एक्साइटेड स्टेट
इट मे कम डाउन टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बाय एमिटिंग 10 डिफरेंट वेवलेंथ्स। बंद करना यार। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, एन प्लस वनथ स्टेट से थर्ड में आ रहा है, बेसिकली nth एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो n प्लस वन से थ्री पे आ रहा है, तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही है। बेटा मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, थ्री पे आ रहा है n प्लस वन से, है ना। मैं इसको ऐसा भी तो कह सकता हूं, जितने यहां पे लेवल्स होंगे, सोचो वन पे आ रहा होता, इसको भी दो नीचे रहे और इसको भी दो नीचे रहे n माइनस वन से। तो n माइनस वन से जब वन पे आएगा तो बेटा कितने, तो जितनी स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी इसमें भी उतनी निकलेंगी। और बेटा मैं आपको एक बात अगर बताऊं, जब n से अगर 10 स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही, जब n से 1 पे आता है तो बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस पता है कितनी निकलती है, n n-1/2। ऐसा पता है क्यों होता है, मैं आपको याद दिला देता हूं। जैसे मान लो 2 से 1 पे आए तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, 1। 3 से 1 पे आए तो कितनी होंगी, ये तो रहेगी रहेगी, ये वाली और ये वाली दो आ जाएंगी। तो 3 आया तो 2 आ गई, 4 आएगा तो कितनी आ जाएंगी, 1, 2 and 3, 3 लाइंस और आ जाएंगी। मतलब हर एक दो के करस्पॉन्डिंग आती जाती है, तो 4 के लिए 3 आ गए, और जब nth लेवल आएगा तो n माइनस वन आ जाएगी। ये हो गई बेटा सिंपल एपी, जिसका सम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2a+l। 1 प्लस n माइनस वन क्या हो जाएगा, n n-1/2। तो बेटा जब अगर ये 10 है मान लो लाइंस, तो इसका मतलब कितने लेवल्स इन्वॉल्व होंगे ना बेटा, आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अगर ये n की वैल्यू क्या हो, n n-1 क्या हो जाएगा 20, तो n क्या होगा 5 5 × 4 20। 5 लेवल्स इन्वॉल्व होंगे, 5 लेवल्स इन्वॉल्व होंगे तो 20 स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अगर बेटा अगर 3 पे आना है n प्लस 1 से, 3 पे आना है n प्लस 1 से, अगर 10 स्पेक्ट्रल लाइंस है तो 5 लेवल होने चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5, 5 लेवल्स होने चाहिए। दैट इज, ये हो गया लेवल नंबर 4, क्योंकि थर्ड 5 6 7। तो बेटा अगर n प्लस 1 की वैल्यू अगर 7 है तो n क्या हो जाएगा, n प्लस 1 की वैल्यू अगर 7 है तो n क्या हो जाएगा, 6, विच इज एन ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ये आपको दिया गया है ऑप्शन ए। बेटा ये क्वेश्चन अगर ना समझ में दोबारा देखे, पक्का क्लियर हो जाएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एन प्लस वनथ बोहर रेडियस एंड एन माइनस वनथ बोहर रेडियस, अच्छा डिफरेंस बिटवीन एन प्लस वनथ बोहर रेडियस एंड एनथ बोहर रेडियस, अच्छा एनथ और एन प्लस वनथ में जो डिफरेंस है वो एन माइनस वन बोहर रेडियस। बेटा 0.53 n प्लस 1 का स्क्वायर बाय z माइनस 0.53 n स्क्वायर बाय z इज इक्वल टू 0.53 n माइनस 1 का स्क्वायर बाय z। ठीक है बेटा, कह रहे n प्लस 1th और nth में जो डिफरेंस है वो n माइनस 1th बोहर रेडियस है, ये कट जाएगा, ये क्या गया, n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या गया, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये 1 भी गया, n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 0, n n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या जाएगा, n इक्वल टू 4, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, तो n क्या जाएगा बेटा 4, बस यही पूछा था। कह रहे थे nth और n प्लस 1th बोहर रेडियस में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू n माइनस 1th बोहर रेडियस। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो n प्लस 1th का रेडियस क्या है, 0.53 n प्लस 1 स्क्वायर बाय z, nth को जाएगा 0.53 n स्क्वायर बाय z इज इक्वल टू 0.53 n माइनस 1 स्क्वायर बाय z। सिंपल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, बड़े आराम से n की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, n1 से n2 ऑर्बिट में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन ई एनर्जी लेके, ठीक है, और जब n2 से 1 में आता है तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आती है। तो बेटा अगर n से किसी भी 1 में आता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आती है, n n-1/2, अभी बताया था आपको मैंने, और इसकी वैल्यू 6 है। तो n n-1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12, ठीक है। तो यहां से 4 × 3 = 12 हो गया, समझ में आ गया, n 4 हो गया, मतलब जो n2 है वो तो 4 हो गया। अब कह रहे हैं जब ये वापस आता है डी एक्साइटेशन, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, कुछ की एनर्जी E है, कुछ की उससे ज्यादा है, कुछ की उससे कम भी है। अच्छा इसका मतलब n1 क्या होगा प्यारे बच्चों, 2, क्योंकि बेटा कुछ की एनर्जी से कम भी होनी चाहिए, जब 4 से 3 में है तो कम एनर्जी भी आ जाएगी, जब 4 से 1 में है तो ज्यादा एनर्जी भी आ जाएगी, और 4 से 2 में आ जाए तो उतनी एनर्जी भी आ जाएगी, कह रहे उतनी भी आ रही उससे कम भी आ रही उससे ज्यादा भी। तो इसका मतलब है बेटा अगर ये अगर 3 होता, मान लो 3 से 4 गया होता, तो उससे कम एनर्जी कैसे आती है, उससे कम एनर्जी पॉसिबल ही नहीं थी, भले यहां से यहां पे आए,
क्योंकि बेटा 1 2 में डिफरेंस ज्यादा होता है, 2 3 में कम होता है, 3 4 में और कम होता है। अभी बताया था बेटा 1 और 2 में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, 2 3 में कम होता है, 3 4 में और कम। इसका मतलब 2 ही करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि अगर 1 से 4 में गया होता तो उससे ज्यादा एनर्जी पॉसिबल नहीं थी निकलनी। कह रहे जो एनर्जी लेके गया है N1 से N2 में उससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन भी मिला है, कम वाला भी और उतनी वाला भी। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में KLM नाम दे रखा है बेटा, बेसिकली थर्ड से सेकंड स्टेट में आ रहा है। इसको मिटो देते हैं पहले। ये क्वेश्चन वैसे डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन रहता है, ये पर्टिकुलर वैसे IIT JEE एडवांस में आया वो क्वेश्चन है ना। चलिए 38 देखते हैं। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन थर्ड लेवल पे और सेकंड लेवल में रेशियो क्या होगा? बेटा बिल्कुल ही सिंपल है यार, बेसिकली एम से एल में आ रहा है तो रेशियो पूछा है बेटा। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, दैट इज थर्ड से सेकंड, वी स्क्वायर ओवर आर होता है, तो V3 का स्क्वायर बाय R3 और यहां क्या आ जाएगा V2 स्क्वायर बाय R2। ठीक है भैया, ये क्या है, Z बाय N पे डिपेंडेंट होती है स्पीड, तो Z तो बेटा बराबर ही आएगा दोनों में, कट जाएगा Z तो Z बाय N, तो यहां पे N स्क्वायर है और रेडियस में क्या था N स्क्वायर, एक और आता है 0.53 N स्क्वायर, तो बेटा इसमें 1 बाय N स्क्वायर है और रेडियस से N स्क्वायर मिल जाएगा, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा नीचे और यहां पर 2 की पावर 4 हो जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा आंसर 16/81। दैट इज ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16/81 ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल था यार ये तो, है ना बेटा। V होता है, मैं लिख देता हूं, VN होता है 2.18 into 10 की पावर 6 Z by N मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और रेडियस होता है 0.53 N स्क्वायर बाय Z। आई होप मैं आपको बता समझा पाऊं बेटा, बस यही यूज किया है बेटा। यहां पर V स्क्वायर था तो 1 बाय N स्क्वायर बन गया, ठीक है, और रेडियस में N स्क्वायर एक और था तो 3 की पावर 4 बन गया इसलिए, और ऊपर 2 की पावर 4 बन जाएगा क्योंकि Z बाय N होता है, तो Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर में 2 स्क्वायर आ गया, 2 स्क्वायर रेडियस में भी होगा, 2 की पावर 4। बहुत ही सिंपल था। अगला बेटा कह रहे हैं N1 से N2 जा रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है N1 से N2, फ्रीक्वेंसी इनिशियल स्टेट में 1/27 टाइम्स है फाइनल स्टेट की। टाइम पीरियड होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी इज 1/ टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। टी सेकंड में एक रेवोल्यूशन तो एक सेकंड में 1/T, ठीक है भैया, तो इसको 1/TI लिख दो, इसको 1/TF, इसको 1/TI लिख दो, इसको 1/TF, तो TI इज 27TF। ठीक है भैया, अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है भैया बताइए N1 N2 क्या क्या होंगे। बिल्कुल ही बकवास क्वेश्चन है बेटा, ये आपको क्लास में बताई हुई बात होती है, बहुत अच्छे से एक बार याद दिला देता हूं बेटा। जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2πr/v, ठीक है। अब बेटा r क्या होता है 0.53 n स्क्वायर बाय z और ये z बाय n, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n क्यूब आ जाएगा, t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। तो इसका मतलब बेटा इनिशियल स्टेट में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा बेटा वो 3 टाइम्स होगा, तभी 3 का क्यूब 27 होगा। पहले अगर फाइनली अगर n है तो इनिशियली 3n होगा। अब देखो 3:1 रेशियो किसमें, एक ही में भैया 3 और 1, क्योंकि एक 8:1 है एक 3:6 है, ट्रिपल का रेशियो होना चाहिए, क्योंकि बेटा टाइम पीरियड अगर इनिशियली जो है अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 टाइम्स होगा बेटा 0.53 n स्क्वायर बाय z ये z बाय n, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है, तो 27 टाइम्स तभी होगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 टाइम्स होगा, तो बेटा 3:1 वाला रेशियो तो एक ही में खत्म बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं अगर बोहर्स रेडियस ए नॉट है तो एनथ रेडियस क्या होगा? बेटा अगर फर्स्ट रेडियस बेसिकली ए नॉट है तो एनथ क्या होगा? ए नॉट एन स्क्वायर। बेटा 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड होता है, तो अगर पहला अगर 0.53 है तो एनथ क्या होगा? 0.53 एन स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है बेटा, अगर कह रहे हैं पहला वाला अगर ए नॉट है तो एनथ क्या होगा? ए नॉट एन स्क्वायर। एनथ वाला क्या होगा? ए नॉट एन स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 वोल्ट है हाइड्रोजन एटम का। बेटा तो पता ही होता है हमको, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो बेटा कितने पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें ताकि आयनाइज करने लायक एनर्जी हो जाए, तो बेटा ई डेल्टा वी होती है एनर्जी, तो ई इंटू 13.6 वोल्ट से क्या मिलेगी? इतनी जूल्स एनर्जी, तो ई इंटू 13.6 जूल्स में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगी? अपॉन ई, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर V वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन के पास V इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाती है,
तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए उतने वोल्टेज से एक्सेलरेट करते हैं बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को, तो ये तो हमको पता ही था। अब कह रहे हैं सेकंड ऑर्बिट से अगर उसको उड़ाना हो, है ना, उसको दुनिया से बाहर भेजना हो सेकंड ऑर्बिट से, तो कितनी एनर्जी चाहिए? जितनी नेगेटिव एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था उतनी पॉजिटिव दे दो, 13.6/2², और इसकी वैल्यू क्या होती है 3.4, जो हमको याद भी रहती है ना, बहुत ही सिंपल था बेटा। कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में 43 पहले कर लेते हैं, पहले लिखा गया बाई चांस 1 से n में जाता है लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ फॉल करती तो 1 से n में जाता है, और जब n से 1 में आता है तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि 43 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो 45 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना, मतलब कैलकुलेशन जो इसमें आप करेंगे वो इसमें यूज हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, 1 से n में जाता है लैम्डा एनर्जी का फोटोन लेके, लैम्डा फोटोन लेके, लैम्डा वेवलेंथ का, जब n से 1 में आता है 10 स्पेक्ट्रल लाइंस, तो n से जब 1 में है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, n(n-1/2), और ये है 10, तो n(n-1) हो जाएगा प्यारे बच्चों 20, 5 4s are 20, तो n हो गया 5, ठीक है, n हो गया 5। अब बेटा मैं बस आपको ये कह रहा हूं 1 से 5 में अगर जाएगा तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन बेसिकली उसको चाहिए होगा, ये पूछा है हमसे, लैम्डा ही क्वेश्चन है कि लैम्डा क्या होगा बेटा, या कह लो 5 से 1 में है तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, है ना। बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आइए फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6, -3.4, -1.5, -0.85, और फिफ्थ ऑर्बिट की होगी 13.6/5², मतलब 13.6/25 अप्रोक्सीमेटली -0.5, तो यहां से यहां आएगा तो कितनी एनर्जी बेसिकली रिलीज होगी, दिस माइनस दिस 13.1, तो 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, तो 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब रिलीज होगी तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, बराबर एच सी बाय लैम्डा कर लो, और एच सी की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में 1240/λ। अब 13 कह लो 13.1 कह लो क्या फर्क पड़ता है, 13 × 9 होता है 117, तो 90 वाली सीरीज का आंसर होगा बेटा ये, क्योंकि अगर ये जीरो ना होता तो 9 point something आता, जीरो है इंटू 10 है तो 90s की लाइन में आएगा, 95 है इसलिए आंसर हो जाएगा 95। मैं फिर से बता दे रहा हूं, 1 से n में जा रहा है लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन लेके, n से 1 में आ रहा है 10 स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही हैं, n(n-1/2) 10 है, तो n आ गया यहां से 5 5 4s are 20, तो बेटा जब 5 से 1 में आएगा तो 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, बराबर एच सी बाय लैम्डा किया, बड़े आराम से प्यारे बच्चों यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं कि लैम्डा जो है वो कितना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं जीरो हटा दो इंटू 10 लिख दो, तो बेटा अगर ये होता तो 13 × 9 9 9 टाइप का आंसर आता, इंटू 10 हो जाएगा तो 90s की लाइन में आएगा, 90s की लाइन में एक ही ऑप्शन है 95, 43 का हो गया ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, इलेक्ट्रॉन के बदले म्यूऑन ले लिया जिसका मास 207 टाइम्स एम ई है, और अब आपसे पूछ रहे हैं बताइए कि रेडियस ऑफ केशल क्या हो जाए, जो 0.53 एंगस्ट्रॉम था बेटा, याद है जब मोटा होगा जिसको मैं बोलूंगा चक्कर मार के, तो क्या करेगा छोटा चक्कर मार के आएगा, रेडियस में मास नीचे आता है, याद आ गया, रफ्तार में मास नहीं आता है, है ना, क्योंकि रेडियस में मास नीचे आता है, mvr = nh/2π, mvr में मास नीचे आता है, याद आई बात, तो वेलोसिटी मास नहीं आता है, एनर्जी में मास ऊपर आता है बेटा, ये मैं आपको पहले भी समझाया था, रेडियस में मास नीचे आता है, एनर्जी में मास ऊपर आता है, रफ्तार में मास नहीं आता है, रेडियस में मास नीचे आता है, एनर्जी में मास ऊपर आता है, रफ्तार में मास नहीं आता, ये बात मैं बेटा पहले भी आपको बता चुका था। आइए देखते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 42 को पहले इसको मिटो दिया जाए, इलेक्ट्रॉन के बदले म्यूऑन ले लिया तो बेटा जो मास है बेटा 0.53 जो होता था बेटा रेडियस, रेडियस अब क्या हो जाएगा बेटा अपॉन बेटा 207 नीचे आ जाएगा खाली, अब 200 से डिवाइड करो 207 से क्या ही फर्क पड़ता है, अप्रोक्सीमेट निकालो, आंसर किस में दिया एंगस्ट्रॉम में, हाँ एंगस्ट्रॉम में ही है, तो बेटा इसको 0.53 को हम लिख सकते हैं 530 इंटू क्या आ जाएगा 10^-3 एंगस्ट्रॉम में अपॉन 207, 200 ले लो यार, 2 2s are 1 आया, 1 आएगा तो क्या लगाएंगे 2 6s are 12, 2.6,
समथिंग इंटू 10^-3। बस 2 पॉइंट समथिंग में 10^-3 बेटा, ये एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल, 43 वाला भी आपने कर लिया। इसके बाद 44, ये बहुत ही बकवास है बेटा। ग्राउंड स्टेट में हमने ना मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के एनर्जी इफेक्ट की 5 डार्क लाइन्स आई। इसका मतलब या तो 1 से 2 में जाएगा, या 1 से 3 में जाएगा, या 1 से 4 वाली लाइन आएगी, या 1 से 5 वाली, या 1 से 6 वाली। 5 आई तो इसका मतलब मैक्सिमम वाली कौन सी होगी, 1 से 6 वाली। ठीक है, तो 1 से 6 में भी गया होगा, 1 से 6 में भी गया होगा। जरा ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करिए कि अगर बेटा 5 डार्क लाइन है, तो 1 से 2 में पहली, 1 से 3 में दूसरी, 1 से 4 में, 1 से 5 में, 1 से 6 में, 5 डार्क लाइन्स। अब कह रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा में कितनी लाइन्स हैं, नंबर ऑफ लाइन्स इन एमिशन स्पेक्ट्रा, 6 पे गया, तो 6 6 -1/2, एन पे जाता तो NN-1/2 निकलती एमिशन स्पेक्ट्रा में ब्राइट लाइन्स। तो ब्राइट लाइन्स कितनी हो जाएंगी, 6 × 3 × 5 = 50, विच इज एन ऑप्शन सी। आई होप मैं आपको बता पाया हूं। 5 से 1 में आ रहा है, 5 से 1 में भी पहले भी आया था, कौन से क्वेश्चन में, 43 वाले में। ध्यान से देखिए एक बार क्वेश्चन दोबारा से देखिए, 43 उसमें 5 से 1 में आया था, आया था है ना, फिर से 5 से 1 में। तो कितने नैनोमीटर की बेटा वेवलेंथ निकली थी, 95। कह रहे बताइए हाइड्रोजन भी, मतलब जो हाइड्रोजन एटम है ना, वो रिकॉइल भी करेगा, तो रिकॉइल रफ्तार बताओ, उसकी रिकॉइल स्पीड बताओ। अरे भैया बहुत ही सिंपल है भैया, 95 नैनोमीटर था है ना। तो बेटा मैं बस आपको इतना कह सकता हूं, ये हाइड्रोजन एटम है ना, ये फोटोन निकला जिसकी वेवलेंथ 95 नैनोमीटर है, तो आप बड़े आराम से उसका h/λ हो जाएगा उसका मोमेंटम, और उतना ही मोमेंटम एटम का भी हो जाएगा, mv, h/λ = mv। अब आपको लग रहा है लैम्डा सेम का यूज कर लिया, अगर रिकॉइल कर रहे तो, क्योंकि बेटा मैंने आपको क्लास में बताया था, पढ़ाया था कि सारी की सारी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली फोटोन के पास ही जाती है। तो अगर आप मतलब बेवकूफी करने लग जाओ कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ और जो एनर्जी निकली वो दोनों में बटी मान लो, तो टाइम वेस्ट होगा, सारी की सारी एनर्जी इसके पास आएगी डायरेक्टली, वही लैम्डा वही रहेगा, बस h/λ = mv कर दो। ठीक है, तो h/λ, h क्या हो गया, 6.6 × 10^-34 अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं क्योंकि बहुत दूर दूर के ऑप्शन है। लैम्डा 95 नैनोमीटर, तो 10^-9 आया। मास 1.67 × 10^-27, ये 1.6 × 10^-27 × v। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये हो गया 10^-25। आई होप मैं आपको समझा पाऊं, 16 × 4 = 64, और 4/100 को 0.04 कहता हूं। 95 बेटा 1/95 और 1/100 लगभग बराबर होंगे, तो 0.04, या इसको मैं 4 × 10^-2 कहता हूं, ये 25 था, ये 10^-27 भी कट गया, तो 4 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। मतलब मैंने कैलकुलेशन में ज्यादा ही थोड़ा सा झोल किया, लेकिन लगभग आपको आंसर क्या मिल रहा है, 4। तो बेटा h/λ, बेटा मोमेंटम होता है h/λ बराबर mv, क्योंकि बेटा किसी ने गुदगुदी तो करी नहीं, वो अपने आप dxite हुआ, तो बेटा वो रिकॉइल करेगा, h/λ जो फोटोन का मोमेंटम होगा उसको mv के बराबर कर देंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। मैं जानता हूं कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, आप दोबारा से देखें, कोशिश करिए कि एक बार एक कॉपी रिवाइज कर लीजिए, आपको फिर काफी आसान लगेगा है ना। थोड़ा सा एक बार थ्योरी रिवाइज कर लेंगे तो काफी आसान लगेगा। मैंने कोशिश करी कि आपको एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी साथ में कराता चला जाऊं। कुछ चीजें मैंने रिविजन के लिए ऐड कर दी हैं साथ साथ में, और कुछ जो नहीं ऐड करी बढ़िया कॉपी से देखेंगे, पक्का समझ में आएगा, नहीं तो रिवाइंड करके दोबारा सुनिए, या तो कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लैरिफाई करने की है ना। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर टेस्ट की वीडियो के साथ, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ। थैंक यू।